माननीय अध्यक्ष जी, ये महत्वपूर्ण बिल पर पक्ष विपक्ष दोनों के कई माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है। श्री मनीष तिवारी जी, सत्यपाल सिंह जी, श्रीमान राजा जी, सुदीप बंदोपाध्याय जी, वाईएसआरसीपी के श्री माधव जी, राजीव रंजन सिंह जी, जगदम्बिका पाल जी, प्रेमचंद्रन जी, राजीव रूडी जी, हनुमान बेनीवाल जी और गौरव गोगोई जी ने सभी ने अपने अपने विचार इस बिल पर व्यक्त करे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी और उनके साथी सदस्यों का भाषण में बहुत डिटेल ध्यान से सुना है, उससे एक इस प्रकार का इम्प्रेशन देश में बनकर जाता है, देश की जनता के सामने जाता है कि जैसे ये एक्ट जो बदला जा रहा है वो गांधी परिवार की सुरक्षा हटाने के लिए बदला जा रहा है। ये वास्तविकता नहीं है मान्यवर। जो इनको चिंता है, चिंता कितनी वाजिब है नहीं वाजिब है बाद में मैं बताता हूं, परंतु जो इनको चिंता है वो सुरक्षा का बदलाव पुराने एक्ट के तहत ही ईयरली प्रोफेशनल थ्रेट असेसमेंट के आधार पर किया है। ये एक्ट तो अब अस्तित्व में आएगा जब ये सदन पारित करेगा। तो जिस एक्ट की आप दुहाई कह रहे हो कि आप उस एक्ट को बदलो मत और हाय तोबा मचा रहे हो, वो एक्ट के तहत ही ये सुरक्षा का बदलाव किया गया है। देश में एक चित्र ऐसा भी खड़ा करने का प्रयास हुआ कि जैसे गांधी परिवार की सिक्योरिटी की सरकार को चिता ही नहीं है, इनकी सुरक्षा पूरी हटाई गई। सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा बदली गई है और थ्रेट असेसमेंट के आधार पर बदली गई। थ्रेट असेसमेंट के आधार पर उनकी सुरक्षा जेड प्लस सीआरपीएफ कवर विथ एएसएल एंड विथ एम्बुलेंस पूरे देश भर में की। श्रीमान मनीष तिवारी जी कहते थे कि जब राजीव गांधी गए तब वहां पर एक कांस्टेबल था, सोनिया जी कहीं गई तब वहां सिक्योरिटी नहीं थी। कुछ उदाहरण उन्होंने पास के, वो शायद साथ में भी होंगे तो समझाए। मैं माननीय सदस्य मनीष तिवारी जी को कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि ये इस बार जो निर्णय किया है उनको जेड प्लस विथ एएसएल दिया है। एएसएल का मतलब है पहले जाकर कोई स्पॉट का थ्रेट असेसमेंट करेगा, कार्यक्रम का थ्रेट असेसमेंट करेगा, वो कोऑर्डिनेट करेगा राज्य सरकारों के साथ। और सुरक्षा राज्य सरकार की नहीं दी है, आपने उल्लेख किया कि राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया। राज्य सरकार सीआरपीएफ सेंट्रल एजेंसी है, पूरे देश भर में विद्यमान है, हर राज्य में विद्यमान है और उसकी थ्रेट सुरक्षा कवच दिया गया है। वहां पर एम्बुलेंस भी होगी, डॉक्टर भी होंगे, सीआरपीएफ के कमांडो भी होंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूं, एसपीजी बनती कैसे है मान्यवर? एसपीजी के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो कोई बाहर से नहीं आते, स्वर्ग से नहीं आते, वो सीआरपीएफ की ही कुछ जवान होते हैं, वो बीएसएफ के ही कुछ जवान होते हैं, वो अन्य एजेंसी के ही कुछ जवान होते हैं। वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बना है जिसमें अनेक सुरक्षा बलों के जवान इकट्ठा होकर एक एजेंसी बनती है। मैंने पहले भी कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ये प्रधानमंत्री जी की न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा, उनकी ऑफिस, उनके कम्युनिकेशन, उनके निवास पर उनके काम करने का जगह, उनका आरोग्य, ये सारी चीजों की चिंता करने के लिए बनाया है और इसीलिए इसका नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रखा है। और ये आगे बताते थे अब बदला तब बदला, पांच बार बदल हुए, पांचों बार बदल मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है रिकॉर्ड पर, एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए हैं ये पांचों बार बदल। पहली बार बदल प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया, वरना मैं बताता हूं अभी इतना शोर शराबा होता है। सुरक्षा खतरों की समीक्षा के बाद माननीय चंद्रशेखर जी की सुरक्षा ले ली गई, कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता देशभर में कुछ नहीं बोला। चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़ा योगदान था,
किसी का निवेदन नहीं है मान्यवर, किसी का नहीं। बाद में नरसिम्हा राव जी की सुरक्षा चली गई, कोई नहीं बोला, किसी ने चिंता व्यक्त करने क्यों बोला? वो भी तो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके परिवार की भी सुरक्षा निकाल लीजिए, मैं पूरा डिटेल बताता हूं। आईके गुजराल साहब की सुरक्षा थ्रेट असेसमेंट के बाद में ले गई, कोई नहीं बोला। चिंता किसकी है, वीआईपी की है, देश के नेतृत्व की है या एक परिवार की है, इसकी स्पष्टता को। और मान्यवर उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी अभी प्रधानमंत्री है, इसी नियम के अंतर्गत मनमोहन सिंह की सुरक्षा छीन ली गई, बदली गई, वो शब्द प्रयोग करे छीन ली गई, छीन ली नहीं गई है, बदली गई। मगर तब भी किसी ने वो हल्ला नहीं किया, क्यों? डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के नेता नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, आपकी पार्टी के ही है, नरसिम्हा राव भी आपकी पार्टी के थे, मनमोहन सिंह भी आपकी पार्टी के थे, क्यों भला आपने चिंता व्यक्त करने के? ये चिंता व्यक्त करने के दो मापदंड क्या है वो देश की जनता को समझने चाहिए। ये केवल और केवल एक परिवार की चिंता, ये सुरक्षा की चिंता नहीं। और एसपीजी को एक स्टेटस सिंबल बनाया गया, हम जनता से अलग है, जनता से अलग कोई नहीं होता, प्रधानमंत्री भी नहीं होते, मगर क्योंकि वो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, इसलिए उनके पूरे संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखना जरूरी है, उनके कार्यालय को सुरक्षित रखना जरूरी है, इनके विदेश के दौरों को सुरक्षित रखना जरूरी है, उनकी आरोग्य की चिंता भी एक स्पेशल तरीके से करने की जरूरत है। जब तक वो प्रधानमंत्री है एसपीजी ग्रुप करता है, जैसे हमारे राजीव रंजन जी ने कहा कि भाई 5 साल बढ़ाने की भी जरूरत, भाई इतने में ही राजीव रंजन जी इतनी हाई तो बची है, बाद में क्या कर लेंगे। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं इन सबको, सारे विपक्ष के मित्रों को, इसी से अगर किसी की सुरक्षा कर्टेल हुई है तो नरेंद्र मोदी जी की हुई, क्योंकि बाकी चारों की तो सुरक्षा ये एक्ट बनने के पहले ही हटा दी। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे 6वें साल उनकी सुरक्षा टप से चली जाएगी, तो अगर किसी की सुरक्षा जाने वाली है इससे तो नरेंद्र मोदी जी की जाने वाली है और किसी की नहीं जाने वाली है। पुराने एक्ट के तहत ही बाकी की सुरक्षा मान्यवर चला हटाया गया है, चंद्रशेखर जी के दोनों पुत्रों की सुरक्षा असेसमेंट के बाद हटाया गया, नरसिम्हा राव जी के 8 पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा को थ्रेट असेसमेंट के बाद हटाया गया, आईके गुजराल साहब के 3 परिवार के सदस्यों को थ्रेट असेसमेंट के बाद सुरक्षा हटाया गया, मनमोहन सिंह जी के भी 3 परिवार सदस्यों को थ्रेट असेसमेंट के बाद हटाया गया। मगर किसी के लिए मैंने एक प्रेस नोट भी नहीं देखा, किसी के लिए एक स्टेटमेंट भी नहीं देखा, किसी के लिए सदन में चर्चा की मांग भी नहीं देखी। अरे भाई मैं बिल लेकर आने वाला था, सदन की चर्चा भी होने वाली थी, मगर पूरा सदन यहां पर बंद कर दिया, विंडिक्टिव अप्रोच, विंडिक्टिव अप्रोच, विंडिक्टिव अप्रोच। श्रीमान गौरव गोगाई जी, आपको मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, विंडिक्टिव अप्रोच मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कई बार विंडिक्टिव अप्रोच से पूरे देश को जेल में डाला, ये मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है, ये मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। मान्यवर, मान्य सदस्य, जब आपके मनीष तिवारी जी 30 मिनट तक बोले कोई मान्य सदस्य नहीं बोला था, आप भी सुनने का मासदार हो, ये ठीक नहीं है। सदन में जब डिबेट होती है, वाद विवाद होता है, अगर उस समय कोई सदस्य बोलता उनको ही टोकता मैं, इसलिए नो, आप भी पॉलिटिकल बोले हैं, आपने भी आरोप ऊपर तक लगाए हैं। जब भी सभी माननीय सदस्य कोई बोले तो मैंने चुप करा दिया। माननीय गृह मंत्री जी, नो माननीय सुरेश जी, नो माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, मान्य मनीष तिवारी जी ने चिंता व्यक्त करी, मैं मनीष तिवारी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, एक भी व्यक्ति, एक भी सुरक्षाकर्मी संख्या में वहां से कम नहीं किया गया है, और तो और बता दूं संख्या बढ़ाई गई है, इसकी ज्यादा चिंता करके। मगर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप चाहिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के लिए होता है। अरे भाई, लोकतंत्र में जो फैसले जनता करती है इसको जरा स्वीकारा करो, अब आप नहीं हो, नहीं हो, अब जनता के फैसले स्वीकारने पड़ेंगे।
सुरक्षा का सवाल है, सिर्फ गांधी परिवार नहीं, देश के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी भारत सरकार, एक एक व्यक्ति संविधान के अंदर, संविधान के दायरे में पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी मॉनिटरिंग रोल पर और सीधे तौर पर जहां जहां भारत सरकार की है, भारत सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं देश के हर नागरिक की सुरक्षा। मगर देश के हर नागरिक की सुरक्षा की मांग ही नहीं, एक परिवार की सुरक्षा की मांग, मगर मैं हर नागरिक में वो भी नागरिक है, इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई। वर्मा कमीशन का इन्होंने रिपोर्ट पढ़ा कि वर्मा कमीशन ने कहा कि और कोई व्यवस्था करे बगैर एसपीजी कवर उठा लिया, इसलिए ये दुर्घटना हुई। मान्यवर वो ठीक है, वर्मा कमीशन से हम भी सीखते हैं, इसीलिए हमने एडवांस में व्यवस्था कर दी, उनको जेड प्लस सुरक्षा दे दी है। वर्मा कमीशन पढ़कर ही दी है कि भाई एडवांस में सुरक्षा दे दो, बाद में विड्रॉ करो। उनको कहा कि भाई मनमोहन सिंह जी के पत्र का जवाब नहीं दिया, मैं कहना नहीं चाहता था, सार्वजनिक करना नहीं चाहता था, मगर अब उन्होंने ही पॉलिटिसाइज करने का निर्णय कराया, मैं क्या कर सकता हूं मान्यवर, मुझे जवाब देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मुद्दा उठाया। मनमोहन सिंह जी के पत्र का जवाब का सवाल ही नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी के सुरक्षा बदली गई तब डायरेक्टर आईबी जो खुफिया एजेंसी के सर्वोच्च पद पर होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से मनमोहन सिंह जी और उनके परिवार को मिलने गए। उन्होंने बताया कि थ्रेस असेसमेंट हुआ है, अब एसपीजी की जरूरत नहीं है। मंत्री को यूपी पुलिस होने के बावजूद भी सेंट्रल प्रोटेक्शन के लिस्ट में रखा गया क्योंकि इस प्रकार की थ्रेट है, एक्सपर्टी वाले लोगों ने उनको प्रोटेक्शन करना है, इसलिए ऐसी कोई प्रकार की वेंडेटा वाली भावना से नहीं किया गया है। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मान्यवर कि ये जो एसपीजी है वो भी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएफएस, ये एनएसजी, ये सारी एजेंसियों में कुछ कुछ प्रतिशत लेकर इसका एक प्रोरेटा है, एसपीजी बनती है। और ये जो सारे अति सेंसिटिव प्रोटेक्टी है उनके लिए एसपीजी में से मदर ऑर्गेनाइजेशन में जो वापिस लोग आते हैं उनको ही सिलेक्ट कर उनके घर पर रखा जाता है जो एसपीजी की ट्रेनिंग पाए जिससे उनकी सुरक्षा ढंग से हो सके। तो मेरी ऑफिस में चार लोग चाय पीने आए होते तो भी मैं कह देता, इतना जोर जोर से बोलने की जरूरत भी न पड़ती, भैया आप आ जाते इसमें क्या है, मैं बता देता। मगर ये वीवीआईपी कल्चर की बात करी अपने सुदीप जी ने, सुदीप जी माफ करिएगा मगर मैं साच अर्थ में रिपोर्टों के और रिकॉर्ड के आधार पर मानता हूं कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा की जरूरत है, इसीलिए दिया गया है और कोई कारण इसमें कोई पॉलिटिकल। बैठो 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 अरे बैठो बोलो भैया बैठो 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 हो गया। गोगाई साहब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया इसलिए मैंने किया, वहां कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी है, आपके अधीरंजन चौधरी को भी है और बाकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी सुरक्षा दी है। एकदम खड़े नहीं होते भैया, पूरा पहले उनका तो सुनते आप मान्यवर। मान्यवर एनके प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि वेंडेटा के आधार पर ही निर्णय दिया गया है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं प्रेमचंद्रन जी कि सुरक्षा के निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार कभी भी वेंडेटा के आधार पर नहीं ले सकती, प्योरली प्रोफेशनल थ्रेट असेसमेंट के आधार पर लिया गया निर्णय है और उनको पर्याप्त सुरक्षा जो उनके लिए उपयुक्त है वो दे दी। मान्यवर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि भाई ऐसे इससे एसपीजी कैसे कॉम्प्रोमाइज होती। मान्यवर मैं बहुत ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता मगर जिन तीन प्रोटेक्टी की यहां पर ज्यादातर चिंता की, बाकी किसी की नहीं की है, तो तीन प्रोटेक्टी की ही चिंता कर दी, उन्होंने कुल मिलाकर 178 और 18 और 200 लगभग 600 बार
कोई सूचना दिए बगैर अपने कार्यक्रम में चले गए 600 बार 600 टाइम्स और 112 बार सुनिए अब सुनिए अरे सुनना पड़ेगा अधीर रंजन जी ऐसे नहीं चलेगा बोलूं नाम के साथ चलिए इन्होंने कहा है नाम के साथ मैं बोलता हूं श्री सोनिया गांधी 2015 से अब तक अभी तक 50 से ज्यादा अवसरों में दिल्ली सरकार और देश की सुरक्षा व्यवस्था को जानकारी दिए बगैर चली गई है 13 निर्धारित यात्राएं उन्होंने की है और एसपीजी बुलेट प्रतिरोधी कार का उपयोग भी नहीं किया है 2015 के बाद 24 विदेश यात्राओं में एसपीजी के अधिकारियों को ना सूचना दी है ना साथ में रखा है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा 2015 से अब तक 339 अवसरों पर एसपीजी को लिए बगैर सूचना दिए बगैर यात्रा में थी दिल्ली में और 64 अवसरों पर देश की अन्य जगह पे भाई इन्होंने कहा कहो मैं तो गार्डेडली बोलता था मान्यवर कांग्रेस के नेता ने कहा आप पढ़ो इसलिए मैं जोर से पढ़ रहा हूं 64 अवसरों पर देश के अन्य स्थानों पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा गई 1991 के बाद 99 विदेश यात्राओं पर गई 21 अवसरों पर ही सुरक्षा कवच लिया 78 अवसरों पर कभी भी सुरक्षा कवच उन्होंने नहीं लिया मान्यवर श्रीमान राहुल गांधी जी 2005 से 2014 18 अवसरों पर देश के विभिन्न हिस्सों में एसपीजी की बीपी कार और सूचना के बगैर गए और 2015 के बाद 1892 अवसरों पर दिल्ली में 1892 में फिर से रिपीट करता हूं और 247 अवसरों पर बाहर की यात्रा एसपीजी के सुरक्षा कवच के बाहर की मान्यवर और ये कह रहे हैं और मान्यवर ये कह रहे हैं मैं तो बोलना नहीं चाहता था सुरक्षा के बारे में नहीं बताना मुझे रॉन्ग बॉक्स में रख रहा है जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे सत्य सदन के पटल पर रखना पड़ा मान्यवर और मान्यवर ये कह रहे कि एसपीजी कैसे कॉम्प्रोमाइज एसपीजी को प्रोटेक्टी को सुरक्षा के बगैर जाने की आदत नहीं डालनी चाहिए मान्यवर वो बाद में प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी कॉम्प्रोमाइज होती अगर हमें सुरक्षा है हमें दी गई तो ऐसा क्या गोपनीय करना है कि भैया सुरक्षा को घर पे लाकर चला जाए हम तो कभी नहीं जाते साथ में होते श्रीमान राजनाथ सिंह जी यहां बैठे कई सालों से काले कपड़े वाले उनको टॉयलेट तक छोड़कर आते हैं मगर वो कभी कुछ नहीं बोलते रहते वो तो जब सुरक्षा मिली है तो उसको क्यों साथ में नहीं रखा सब प्रोटेक्टी को मेरा तो अनुरोध है और आज भी ये तीनों महानुभावों को अनुरोध है सीआरपीएफ को साथ में रखिए आपके प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत जरूरी है और सबने साथ में रखना चाहिए पर्याप्त समय वाली सूचना भी देनी मान्यवर कुछ प्रोटेक्टिव ऐसे होते मैं नाम देना नहीं चाहता फिर से मत दिलवाना 100 किलोमीटर की स्पीड से दिल्ली ल्यूटन में महंगी मोटरसाइकिल लेकर घूमते 100 किलो और वो सुरक्षा की गाड़ियां बिचारी पीछे की पीछे रह जाती धरी की धरी रह जाती अब ये सारी चीजें मान्यवर मैं कहां अधिकृत रूप से कहूंगा हमारा इसके पीछे आशय इतना ही है सरकार किसी को विंडिक्टिव अप्रोच से कुछ करना नहीं चाहती मान्यवर मगर जब हम सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो सार्वजनिक जीवन की सुचिताओं को स्वीकार करना चाहिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 20 साल से ज्यादा समय से उनके पास सुरक्षा कवच है 20 साल से मगर आज भी एक भी बार सुरक्षा कवच का फाउल नहीं आया है मैं देता हूं गौरव भाई आपका भी जवाब एक भी बार नहीं आया मान्यवर उन्होंने अपने जीवन में बड़े और कड़े मापदंड एस्टैब्लिश करने का काम किया है वो आज प्रधानमंत्री जी हैं प्रधानमंत्री जी के लिए एक नियम बने हैं एक प्रोटोकॉल बना है विदेश में जाते हैं 20% से कम स्टाफ विदेश ले जाने की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले प्रधानमंत्री जाते थे तो कहीं पेट्रोल डलवाने के लिए जो टेक्निकल हॉल्ट लेने पड़ते थे तो पूरी रात होटल नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर
एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आगे चलते हैं। इनके पास जो स्टाफ जाता है साहब, उनके लिए सबके लिए अलग अलग गाड़ियों की व्यवस्था थी, मगर प्रधानमंत्री जी ने एक मापदंड खड़ा किया है, किसी को पालन करना न करना वो उसके मुनसफी पर है, मगर उन्होंने कहा कि जितना भी स्टाफ है वो एक गाड़ी में चार लोग पांच लोग जाएंगे या कोई बस में जाएंगे, हर एक के लिए अलग गाड़ी बंद करा दी। मान्यवर, इस प्रकार के कठोर सार्वजनिक जीवन के नॉर्म्स को प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पालन करने वाला नेतृत्व आज देश को मिला है। और दूसरी ओर सिक्योरिटी कवर को स्टेटस सिंबल बनाकर अगर हम आज भी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी हम एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे रसास्वाद में आह्लादित रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सबने इसमें से सीखना चाहिए। गौरव भाई ने कहा कि भाई एसपीजी के नियमों का उल्लंघन किया, वो जो प्लेन लेकर गए थे उसकी पूरी चेकिंग एसपीजी ने कर ली थी, अंदर एक एसपीजी का सिक्योरिटी का व्यक्ति भी था और जो बोट वहां उतरी वहां पर भी सिक्योरिटी के ऑफिसर्स थे, इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, विशिष्ट परमिशन के आधार पर किया है। और माननीय सदस्य गोगाई साहब को मैं कहना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री जी ने देश के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्वयं रिस्क लिया था, रात को 2 बजे मोटरसाइकिल घुमाकर आनंद करने के लिए एसपीजी के कवर को नहीं तोड़ा। ये दोनों में अंतर है मान्य, ये दोनों में अंतर है। एक इतना बड़ा वहां रिवर फ्रंट बना है, इसको टूरिज्म की दृष्टि से वाटर स्पॉट की दृष्टि से डेवलप करने के लिए उन्होंने स्वयं रिस्क लिया था, कोई रात को ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए 100-150 किलोमीटर की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाने के लिए नहीं लिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये पूरे मसले को देश गंभीरता से देख रहा है, इसलिए मुझे ये सारी स्पष्टता करनी पड़ी, वरना मुझे तो आशा थी कि इस बिल पर कोई चर्चा नहीं होगी। दिस इज रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तुरंत पारित हो जाएगा, पक्ष विपक्ष का कोई भाषण नहीं होगा, मुझे भी नहीं करना चाहिए, मगर सदन के अंदर जब भाषण हुए तो जवाब देना मेरा भी कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। जनता के अंदर एक तरफा बात नहीं जानी चाहिए, जनता के सामने सत्य जाना चाहिए, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। ए एक्ट से गांधी परिवार के सदस्यों की एक भी सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं हुई है, पुराने एक्ट से उनकी सिक्योरिटी बदली गई है, ये भी भ्रांति है कि इनको सिक्योरिटी बगैर वैसे ही छोड़ दिया गया है। देश में प्रधानमंत्री के अलावे जो सिक्योरिटी उपलब्ध है वो हाईएस्ट सिक्योरिटी तीनों जेड प्लस विथ एएसएल एंड एम्बुलेंस पूरी कंट्री में वो तीनों सदस्यों को दिया गया है मान्यवर, मगर प्रधानमंत्री के लिए जो विशेष कार्यबल बना है वही सिक्योरिटी मुझे चाहिए। तो मेरा स्पष्ट मानना है मान्यवर कि प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, एक पद के लिए, एक ऑफिस के लिए और उनके कम्युनिकेशन, उनका आरोग्य और उनके निवास पर जो ऑफिस होता है इसकी सुरक्षा के लिए है, वो देश के हित में है क्योंकि वो हमारे कार्याध्यक्ष हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं। तो मुझे लगता है इसमें अब शायद कांग्रेस समर्थन करे और सब लोग इसके समर्थन में अपना मत व्यक्त कर इस बिल को पारित करें, यही निवेदन करकर मैं मेरी बात कहूंगा। अधीर रंजन जी।